डेवलप प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, क्योंकि ये जो फार्मूला है डीपीडी, पहले डीपीडी समझ लिए, और डीपीडी फार्मूला का मतलब क्या है, डिग्री इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब ओपी हमने प्री देख चुके हैं कि ओपी क्या है और ओपी प्रेशर क्या है, तो अब हमें क्या देखना है, टीपी देखना है, और टीपी इक्वल टू होता है डब्ल्यू पी, यानी हमें दो चीजें देखनी है कि डब्ल्यू पी या टीपी क्या होता है। अब देखिए, यह एक सेल है, इस सेल में यानी एक प्लांट सेल है, सब देख रहे हैं, तो यहां पर ये हो गया सेल वॉल और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जब यहां पर वाटर है और इस वाटर की एंट्री सेल के अंदर होगी, ये वाटर की एंट्री क्या हो रही है, सेल के अंदर से हो रही, तो जब वाटर की एंट्री सेल के अंदर होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे जैसे साइज बढ़ाएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यानी इसका प्रोटोप्लाज्म, जैसे जैसे बाहर जाएगा प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट क्या होंगे, फैलेंगे बैलून में, जैसे जैसे आप पानी डालोगे वैसे वैसे बैलून का सेल क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो है बैलून का वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, तो जैसे जैसे अपना साइज बढ़ाते चला जाएगा यह एक प्रेशर एग्जर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर या प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेशर क्यों एग्जर्ट कर रहा है सेल वॉल पे, ड्यू टू टर्गिडिटी। टर्गिडिटी का मतलब समझते हो, टर्गिडिटी का मतलब जो वाटर के कंटेंट जितने सेल में होने चाहिए जिसके वजह से सेल जो है वो फुला हुआ होता है, दैट इज द टर्गिडिटी। तो यहां पर जब वाटर एंट्री हो रही है इस सेल में तो इसकी टर्गिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो जब टर्गिडिटी बढ़ रही है तो उसके वजह से ये प्रोटोप्लाज्म एक प्रेशर एग्जर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, और उसी प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग, टर्गर प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ये प्रेशर जो है वो टर्गर प्रेशर। अब एक टाइम ऐसा आएगा, अब इसका सिंपल सा एग्जांपल कैसे समझाता हूं, समझो एक छोटा सा कोई डब्बा है और उस डब्बे में छोटा सा कोई प्लास्टिक का डब्बा है, चॉकलेट का डब्बा या किसी भी चीज का प्लास्टिक का डब्बा है, उस डब्बे में एक बैलून को डालो, बलून में भी ना हवा है ना पानी है कुछ भी नहीं है, उस बलून को डब्बे के अंदर लेके जाओ और उस डब्बे में रखते हुए उस बैलून को ऐसे रखो कि उसमें पानी जा सके, या नल है ना घर में आपका, घर में नल जो है उस नल में बैलून को लगा दो, ठीक है, और उस बैलून के नीचे के डब्बे को लगा दो, अब उस बैलून में पानी भरना चालू करो। बैलून का साइज जो है वो डब्बे के साइज से बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी बड़ा वाला बैलून है और एक छोटे डब्बे में उसको डालो, उसमें पानी तब तक जाएगा जितना डब्बे का साइज है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बैलून में पानी जाना बंद हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि बैलून तो फैल सकता है लेकिन डब्बा तो नहीं फैलेगा ना, डब्बा का साइज क्या है, फिक्स है। यहाँ पर भी वही चीज है, ये सेल वॉल जो है वो अपने साइज को नहीं बढ़ाएगा लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने साइज को घटाता है और बढ़ाता है। तो जब तक पानी इसके अंदर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना साइज बढ़ाते जाएगा, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगी एक प्रेशर एग्जर्ट होगा इस सेल वॉल के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर। लेकिन जब साइज परफेक्ट यानी सेल वॉल को जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब टच कर लेगा तो वो पानी लेना बंद कर देगा। अब बंद क्यों किया, पानी अंदर जाना क्यों बंद हुआ, क्योंकि जितना टर्गर प्रेशर है उसके इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर एग्जर्ट होता है और उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं वॉल प्रेशर। द इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। यानी कि जो डब्बे में बैलून था पहले वो जैसे जैसे पहला एक प्रेशर किया डब्बे के ऊपर,
लेकिन अब डब्बा उसे मना कर दिया कि अब तुम नहीं खा सकते हो क्योंकि हमारा साइज यही है। क्यों? क्योंकि डब्बा ने अब उसके ऊपर प्रेशर डाला जिसकी वजह से पानी अंदर जाना बंद हो गया। तो उसी प्रेशर को कहते हैं हम लोग वॉल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? वॉल प्रेशर। मैंने अपना मार्क उठा रखा है, इधर है क्या? नहीं
बेटा अब लिखेंगे क्या फैक्टर है लिखना है वॉल्यूम लिखना लिखिए Entry of water, due to entry of water, bracket में solvent, due to entry of water, bracket में solvent into vessel, due to entry of water, bracket solvent into vessel, the protoplasm. exerted a pressure on wall, cell wall पे, exerted a pressure on wall या फिर cell को लिख सकते हैं, exerted a pressure on wall called turgor pressure. टर्गर प्रेशर लिख करके ब्रैकेट में टीपी, इसको टीपी से ज्यादा याद रखते हैं, कॉल टर्गर प्रेशर या टीपी यानी शॉर्ट में टीपी. द सेल वॉल ऑल्सो एग्जर्टेड ए प्रेशर सेल वॉल also exerted a pressure in equal and opposite direction to the protoplasm for wall pressure. So this is WP equal to P. So this is WP equal to P. But WP का बढ़ना, यानी सेल में सेल का सिकुड़ना, और TP का बढ़ना मतलब सेल का फैलना. टर्गर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब पानी ज्यादा अंदर जाएगा. तो पानी अंदर जाएगा तो सेल फैलेगा कि सिकुड़ेगा? सेल फैलेगा, यानी टर्गिडिटी, एक टर्गिड सेल बनेगा. और पानी जब इससे बाहर आएगा तो क्या होगा? तो सेल सिकुड़ेगा, यानी एक फ्लैसिड सेल या प्लाज्मोलाइट सेल का फॉर्मेशन. अभी तीन तरह के सेल के फॉर्मेशन को हमें देखना है, यानी कि फ्लैसिड सेल, एक टर्बी सेल और एक प्लाज्मोलाइट सेल. ये प्लाज्मोलाइसिस के कंडीशन में चलेंगे हम लोग, या तो ऑस्मोसिस से भी कर लेते हैं, या प्लाज्मोलाइसिस का एक टॉपिक ही है उसमें चलेंगे हम. ये सेल के तीन कंडीशन है. एक फुल्ली टर्बिड सेल, यानी इतना टर्बिड है कि उसके अंदर पानी एकदम नहीं जाएगा, यानी उसका वॉल प्रेशर जीरो हो गया. और एक प्लाज्मोलाइट से, यानी इतना सिकुड़ गया है कि वो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया है, यानी उसका टर्गर प्रेशर क्या हो गया? जीरो हो गया. अब यहाँ पर आइए, यहाँ जो फॉर्मूला है कौन सा? डीपी डी इक्वल टू ओपी माइनस डीपी. अब इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे अलग अलग सेल के कंडीशन के हिसाब से क्या होता है. तो dp d equal to op minus tp, ये जो फार्मूला है अब एक चीज और लिख लीजिए. द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर, the difference between osmotic pressure and turgor pressure or
प्रेशर, सर्कुलर प्रेशर और बॉल प्रेशर को ब्रैकेट में कर, सर्कुलर प्रेशर और बॉल प्रेशर, सर्कुलर प्रेशर और बॉल प्रेशर कॉल डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, कॉल डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। समझ में आएगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब तो कलेक्टर प्रेशर वॉल प्रेशर समझ गए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डेफिनेशन क्या कहता है, याद है? हाँ, कैसे भी हिंदी में भी जैसे भी मराठी आती मराठी में भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद होनी चाहिए चीजें। पास लगा मैंने लगा सकता हूँ। हाँ बोलो। पानी की हिंदी को कंप्लीटली जो इसमें ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन, तो एक ऐसा प्रेशर जो किसी ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन में जो भी कंसंट्रेशन है, मान लीजिए यहाँ पर 10%
सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ठीक। और यहाँ पर ये जो सेल है इसमें 12% सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ पर 12% सॉल्यूट है, इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट कितना परसेंट है, 88% सॉल्वेंट। और यहाँ पर बेटा 10% सॉल्यूट है, इसका मतलब 90% क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसका एक अपना डिफ्यूजन का प्रेशर होगा जो भी होगा, ठीक है, और इसका एक अलग डिफ्यूजन प्रेशर होगा। अब अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चले, अभी जो अगर इन दोनों सेल को आपस में अगर जोड़ दें तो पानी का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा, 90% मान लो कि ये सेल ए है और ये सेल बी है, तो बोलने में आसानी होगी सेल ए से बी की ओर वाटर का मूवमेंट किधर से किधर बेटा, ये ए से बी की ओर वाटर का मूवमेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट। और हम कहते हैं कि अगर हम सॉल्यूट को बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन का प्रेशर घट जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है ना, कहाँ से, हाइयर से लोअर की ओर हो रहा है। और अगर हम सॉल्यूट को बढ़ा देते हैं तो वाटर, ये मतलब जो डिफ्यूजन का प्रेशर है वो घट जाएगा। और कैसे घटेगा भाई, तो जो वाटर का मूवमेंट हाइयर से लोअर इधर की ओर हो रहा था, अब अगर हम इसमें +3% और सॉल्यूट को बढ़ा दिया तो अब क्या बोलोगे आप, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की ओर, अब इसमें 3% डबल बढ़ा दिया है, इसमें 3% का डबल कितने हो गए 30%, तो किधर ज्यादा सॉल्यूट हो गया, अब इधर ज्यादा हो गया तो पानी का मूवमेंट अब किधर से किधर की ओर होने लगेगा, अब ये मूवमेंट रुक जाएगा और उसके जगह पे अब मूवमेंट इधर से इधर होने लगेगा। तो सॉल्यूट को बढ़ाया इसका मतलब डिफ्यूजन के प्रेशर को घटा दिया, तभी तो डिफ्यूजन का प्रेशर घटा, तभी तो जो मूवमेंट इधर से इधर हो रहा था मूवमेंट डी से ए की ओर होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस डीपीटी का रोल ओपी से क्या है और पीपी से क्या है, उसका भी रिलेशन जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है उसका भी रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, कैसे होता है क्या। अगर इस रिलेशन के हिसाब से चले तो हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कहता है कि ऐसा कोई प्रेशर जो वाटर के एंट्री को कंप्लीटली रोक दे, तो वो प्रेशर क्या है भाई, तो यानी कि जब सॉल्यूट को बढ़ा दिया तो इसके प्रेशर को क्या किया हमने, चेंज कर दिया। और प्रेशर को कैसे चेंज किया भाई, तो सॉल्यूट को बढ़ाया मतलब इसके जो फ्री मॉलिक्यूल थे वाटर के मॉलिक्यूल को क्या किया, घटा दिया। तो जो वाटर मॉलिक्यूल इधर जाने के लिए जो प्रेशर लगा रहे थे, अब वो प्रेशर क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा, कम हो गया। तो प्रेशर को कैसे हम लोगों ने, यानी कि जो डिफ्यूज करने वाले जो प्रेशर थे वो डिफ्यूज करने वाले प्रेशर को घटा दिया, और वो प्रेशर किस प्रेशर से घटा, तो जब सॉल्यूट को बढ़ाया हमने तो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल को उन्होंने क्या किया, कम कर दिया, जिसके वजह से नहीं जाने का प्रेशर इधर बढ़ गया, वाटर को इधर ए से बी की ओर नहीं जाने वाला प्रेशर बढ़ गया, और इसी वजह से वाटर अब इधर कंप्लीटली जाना रुक गया, तो वो क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि जैसे ही सॉल्यूट आपने सेल ए में बढ़ा दिया बेटा, तो वो डिफ्यूजन करने के जो प्रेशर यानी कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट का जो डिफरेंस था वो कम कर देगा, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ाएंगे वाटर के फ्री मॉलिक्यूल उतना कम हो जाएंगे। अब इधर फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है इधर कम है, तो अब ये प्रेशर डालेगा इसके ऊपर कि तुम पानी इधर से इधर हो, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है वाटर के, तो यही हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कोई तो एक ऐसा प्रेशर यानी सॉल्यूट को बढ़ाया तो कोई तो एक ऐसा प्रेशर आया इसके ऊपर कि ये अपना पानी इधर से इधर भेजना बंद कर दिया, समझ में आएगा, जिसके वजह से ये पानी जो इधर से जा रहा था बंद हो गया, उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब टारगेट प्रेशर,
यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इसके इसका अगर हमने बढ़ा दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है तो टर्मिनल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों अपोजिट होते हैं, अगर एक का बढ़ना तो दूसरे का घटना, तो टर्बिडिटी बढ़ने लगेगी, यानी पानी अब इधर आएगा तो टर्मिनल प्रेशर क्या होगा इसका, बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और इसीलिए इस फॉर्मूले के लिए यानी डीपीडी निकालने के लिए हम लिखते हैं ओपी माइनस टीपी। अब तो ये बात ओपी माइनस टीपी की बात, अब चलिए ये समझ लिया ना थोड़ा सा बात। अब इसी से रिलेटेड हमारा अब कहता है फाइन जी कि अकॉर्डिंग टू मॉडल यानी कहता है अकॉर्डिंग टू मॉडल थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता है कि डीपीडी इक्वल टू होता है वाटर पोटेंशियल, वाटर यानी अब डीपीडी की जगह पे डायरेक्ट वाटर पोटेंशियल पढ़ना चाहिए, तो डीपीडी और वाटर पोटेंशियल दोनों सेम चीज है। अब डिफरेंस क्या है, तो डीपीडी एक क्वालिटी वैल्यू है जबकि वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू, बस इतना ही अंतर होता है। जब भी किसी सॉल्यूशन का अगर हम लोग डीपीडी निकालेंगे तो वाटर की पोटेंशियलिटी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव है, किसी भी सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियलिटी नेगेटिव में होती है। अब किसी भी सॉल्यूशन क्या डीपीडी क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। मान लो कि यहाँ पर ये जो सेल का सॉल्यूशन है, अगर इसका डीपीडी पूछा जाए कि डीपीडी कितना है तो कुछ भी व्हाटएवर, यानी 5 हो सकता है या 6 हो सकता है या 7 एटीएम हो सकता है या 12 में। लेकिन अगर इसका वाटर पोटेंशियल कहा जाए कि वाटर का पोटेंशियल कितना है तो इसी का उल्टा कर दो, यानी -5 या -6 या फिर -7, बाकी कोई अंतर नहीं। अब ऐसा क्यों वो आप देखते हैं, देखिए वाटर पोटेंशियल क्या है,
तो हमें अब ये चीज सीखना है, इसके साथ साथ हाँ तो अभी मैंने एक चीज तो सिखाया आपको दो सेल को दिखा करके कि सॉल्यूट को बढ़ा दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये आप देखें। तो अब आप ये बता सकते हैं कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर वाटर का मूवमेंट, या चलिए एक डायग्राम बना देता हूं मैं। दोनों इक्वल हो सकता है या फिर इसमें हम लोग पानी को बढ़ा दें,
या तो इसमें सॉल्वेंट पढ़ाए या तो इसमें सॉल्वेंट पढ़ाए, दोनों को इक्वल होने के लिए, और या फिर दोनों को मिक्स कर दे तो अपने आप क्या होगा, इक्वल हो जाए। दो ग्लास आपके पास शरबत है, एक शरबत में चीनी बहुत ज्यादा है, बहुत मीठा शरबत, और एक ग्लास जो शरबत है उसमें चीनी बहुत कम है, बहुत कम मीठा, तो क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, दोनों को मिक्स कर दें दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर जिसमें मीठा कम है उसमें चीनी मिला दें, या जिसमें मीठा ज्यादा है उसमें पानी मिला दें, दोनों को इक्वल करने का यही तरीका है ना भाई हमारे पास, यही तीन पॉसिबिलिटी है। तो वही तीन पॉसिबिलिटी को आप यहाँ जोड़ के सोचिए, या तो इधर हम लोग सॉल्वेंट पढ़ाएं या इधर हम लोग सॉल्वेंट पढ़ाएं, या फिर दोनों को मिक्स होने दें, ये अपने आप को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो वाटर का मूवमेंट आप आसानी से बता सकते हो कि इधर से इधर होगा, और वाटर के मूवमेंट को इधर से इधर रोकने के लिए इधर कोई प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, और वो प्रेशर कैसे रोक हम लोग कर सकते हैं, या तो सॉलिड को बढ़ा दें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर देखेंगे तो इधर ज्यादा और इधर कम, समझ गए बात। ये सॉलिड हो गया हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और इधर लो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी वजह से वाटर का डिग्री इधर से इधर, ये समझ गए आप, आपका चुनाव थोड़ा काम हुआ। अब चलिए वाटर पोटेंशियलिटी की हम लोग बात करें, वाटर पोटेंशियलिटी क्या कहता है हमारा, कि द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ, ध्यान से सुन लीजिए, द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन ए सॉल्यूशन एंड ए प्योर वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट
चीज बढ़ने से यानी उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाल दिए हम, तो फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन हो गया? क्यों यानी कि जब सॉल्यूट मिला है तो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल उस सॉल्यूट के साथ क्या किए, रिएक्शन करेंगे ना, तो डिफ्यूजन किए ना वो, तो एनर्जी तो कम हुई ना उसकी। तो जैसे जैसे सॉल्यूट को बढ़ा देंगे आप, वाटर की पोटेंशियलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि फ्री एनर्जी उतना कम होते चला जाएगा। तो हायर वैल्यू ही करता है कितना है, जीरो है एक प्योर वाटर की जो सबसे हाई है, यानी जीरो से हाई नहीं हो सकता, प्लस वन में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर अपने आप में वो प्योर है, यानी उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। और जैसे ही उसमें किसी सॉल्यूट को बढ़ा देंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, और नीचे जाएगा। अब समझ में आएगा वाटर पोटेंशियल क्या हो गया। अब है सॉल्यूट का पोटेंशियल, तो जैसे साई डब्ल्यू है उसी तरह साई एस, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई बी। अब सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या कहता है, साई एस का वैल्यू हमेशा निगेटिव में रहता है, माइनस वन माइनस टू या माइनस फाइव, हमेशा साई एस का वैल्यू किसमें होगा, निगेटिव में होगा। साई एस निगेटिव में यानी कि माइनस वन माइनस फाइव माइनस टू कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन के नेचर पे, वो ऐसा नहीं है कुछ भी मतलब कोई भी वैल्यू समझाने के लिए बता रहे। तो सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या कहता है हमारा, सॉल्यूट का पोटेंशियल है कि जब हम किसी सॉल्यूट को एक सॉल्यूशन में या प्योर वाटर में डालते हैं, तो उसके डालने से जो प्योर वाटर की फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है वह उस सॉल्यूट का सॉल्यूट पोटेंशियल। अब हम देखो एग्जांपल देते हैं आपको कि मान लीजिए इसका क्या पोटेंशियलिटी है, जब ये एग्जाम में आती है तो सारे बच्चों के पेपर में 3 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो यानी कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर बताती है एग्जाम में, तो ये क्या हुआ, पोटेंशियलिटी। पोटेंशियलिटी का मतलब क्षमता, कैपेसिटी एक तरह समझिए। तो जिस क्वांटिटी से जिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के वजह से जो वाटर की पोटेंशियलिटी डिक्रीज होती है वह उस सॉल्यूट का क्या हुआ, सॉल्यूट पोटेंशियल। अब समझ में आई बात। और वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि वाटर के पास जो फ्री एनर्जी है जिसके वजह से वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, किसी सॉल्यूट को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, वो उसकी पोटेंशियलिटी हुई, उसी को कहते हैं वाटर पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट को बढ़ाएंगे हम लोग उतना ज्यादा उसका फ्री एनर्जी कम होगा, तो उसकी पोटेंशियलिटी उतनी कम होगी। इसीलिए जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाएंगे इसकी पोटेंशियलिटी कम यानी निगेटिव में दिखाते हैं। और क्यों दिखाते हैं, तो जितना अमाउंट में हम लोग सॉल्यूट को बढ़ाएंगे उतना इसका वैल्यू निगेटिव होते चला जाएगा। तो जो अमाउंट जिस अमाउंट को मिक्स करने से या ऐड करने से प्योर वाटर की पोटेंशियल डिक्रीज होती है वह उसका सॉल्यूट पोटेंशियल। अब समझ में आई बात, थोड़ा सा नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बार बार समझना पड़ेगा। अभी तक क्या क्या समझे, सिंपल सिंपल बात को समझ चुके हैं, और सिंपल सिंपल बात में क्या क्या समझ चुके हैं, सिंपल बात समझे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ फैसिलिटेट डिफ्यूजन समझ, ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोग बल्क ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा बल्क ट्रांसपोर्ट हुआ है, अच्छा बल्क ट्रांसपोर्ट अभी नहीं किए हैं, ठीक है, लास्ट में कोई बात। तो सिंपल एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन समझ लिए, ऑस्मोसिस समझ लिए, उसके बाद आपको आया थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिए कि कोई भी एक ऐसा प्रेशर जो एंट्री ऑफ वाटर को रोक देता है ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्यों, तो सारा का सारा खेल हम लोग का पूरा जो यहाँ पे टॉपिक
सॉल्यूट को बढ़ा दिया तो डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ गया, तो उसी को क्या कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और जब डिफ्यूजन का प्रेशर में डेफिसिएशन हो रहा है यानी कम हो रहा है तो उसके लिए दो चीज निकालते हैं हम लोग, यानी OP माइनस PP का वो आप फॉर्मूला आया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आया, टर्बुलेंट प्रेशर या वॉल प्रेशर। चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करने दीजिए, ठीक है, बस सिंपल वे में इतना तो समझ गए, टर्बुलेंट प्रेशर एंड वॉल प्रेशर समझ गए। अब मान लिया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पे और दूसरा आदमी जो हम लोग स्टार्ट किए वाटर पोटेंशियल पे। पोटेंशियलिटी वर्ड कहीं पर भी क्षमता के लिए आता है, यानी कैपेसिटी से रिलेटेड, पहले इतनी बात को समझ लीजिए, ओके। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन सब को समझने के बाद में भी एक सॉल्यूशन को जैसे बार बार ये डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर हम आपको मान लेके दिखाएंगे कि ये सॉल्यूट अगर है तो आप देखो सॉल्यूट को बढ़ाने से क्या क्या बढ़ रहा और क्या क्या घट रहा। सॉल्यूट को बढ़ा देने से डिफ्यूजन का प्रेशर बढ़ता है कि घटता है, ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर की ओर चेंज हो जाएगा, उसकी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या इफेक्ट आता है, वाटर के पोटेंशियलिटी में क्या इफेक्ट आता है, वो सारा चीज का एक जगह करके देखेंगे और सॉल्यूशन के फॉर्म में देखेंगे, यानी कि एक ऑस्मोसिस और एक ऑस्मोसिस कौन से सॉल्यूशन में होता है। सॉल्यूशन के तीन तरह के, यानी ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली तीन सॉल्यूशन देखते हैं आपको, वो प्लाज्मोलाइसिस भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो वो तीनों सॉल्यूशन जो है वो कौन कौन से हैं, तो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये तीन सॉल्यूशन का नाम सुना है कभी, तो हाइपो, हाइपर एंड आइसो, ये तीन टर्म है। और
परसेंट क्या है? वाटर। इसका भी निकाल लीजिए, इसमें भी 93% क्या है? वाटर। और इसमें भी 93% क्या है? वाटर। और इसमें कितना परसेंट वाटर है बेटा? 95% क्या है इसमें? वाटर। और इसमें 93% क्या है? वाटर। अब पानी इसके अंदर जाता है, क्वांटिटी फिर मत चाहिए। क्वांटिटी कहने का मतलब कि एक लीटर का अगर कोई पॉट है, ये मान लीजिए एक लीटर का पॉट है और इस एक लीटर के पॉट में एक लीटर का सॉल्यूशन हम डाले हैं और उसमें एक छोटा सा सेल डाले हैं, यानी इसका साइज तो क्वांटिटी बहुत बड़ा है ना भाई। हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हमें परसेंटेज पे जाना है, सॉल्यूशन के परसेंटेज पे। क्वांटिटी पे मत जाइए, इसका ये जो साइज बड़ा है जिसमें पानी ज्यादा होगा ना, साइज पे नहीं जाना, हमें कंसंट्रेशन पे जाना है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें ये पढ़ना है सारा चीज। तो यहाँ पे पानी ज्यादा है कि यहाँ पानी ज्यादा है? किसके अंदर पानी ज्यादा है? सेल के अंदर। तो अब आप क्या कहेंगे, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की हो? सेल से सॉल्यूशन की तरफ, यानी H2O क्या होगा? बाहर की ओर आएगा। तो जब सेल पानी को निकालेगा तो वो सिकुड़ेगा, फैलेगा। अब वो पानी कब तक निकालते रहेगा? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम ना हो जाए। और इतना पानी निकाल देगा क्योंकि इसकी साइज इतनी छोटी है, अपना पूरा पानी भी निकाल देगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये इतना पानी निकाल देता है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक टूट जाते हैं और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब समझ में आई बात, क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। अब यहां पर आइए, यहां पर पानी ज्यादा है कि पानी सेल के अंदर पानी ज्यादा है कि सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है? सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है तो पानी क्या होगा? अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? आंसर जाएगा। अब जब अंदर जाएगा तो ये सेल क्या करेगा? सिकुड़ेगा कि फैलेगा? फैलेगा। तो जब सेल सिकुड़ता है तो उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेट, यानी सेल क्या हो जाएंगे? फुल्ली टर्मिनेट सेल हो जाएंगे। और अगर एनिमल का सेल है तो एनिमल के सेल में सेल वो तो होता नहीं है तो वो सेल ग्रोथ कर जाएगा। कभी कोई आप लोग में से कभी ब्लड डोनेट नहीं किए होंगे, अगर किसी को डोनेट करते देखा होगा या घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने उंगली में से एक दो बूंद ब्लड को निकालना पड़ेगा, शीशे के ग्लास में पानी भर के और दो चम्मच नमक मिला दो और अपने बॉडी से, ठीक है, कोई भी मिनरल वगैरह साफ सुथरा मिनरल लो और उसको हल्का से यहाँ पर पीछ कर ब्लड आएगा थोड़ा सा और ब्लड के एक बूंद को उस पानी में डाल के देखो। अगर वह सेल नीचे तक जाके बैठ जाता है मतलब कि हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है, हेमोग्लोबिन का मतलब सॉल्यूशन, और अगर डालते के साथ वो पूरा फैल गया इसका मतलब हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है, मतलब उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, वो इंडिकेट करता है यही हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जब चूंकि आरबीसी हमारा क्या है, एनिमल सेल है, तो प्लांट के सेल में सेल वॉल होते हैं, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलता है तो उसको सेल वॉल ज्यादा फैलने से क्या करता है, रोक देता है, तो प्लांट के सेल भ्रष्ट नहीं होंगे लेकिन एनिमल के सेल क्या होंगे, भ्रष्ट कर जाएंगे। यानी उस NaCl में जैसे ही आपने ब्लड को गिराया वो इतना ज्यादा पानी अपने अंदर ले लेगा कि पूरा का पूरा वो आरबीसी क्या होगा, घुल के फैल जाएगा तुरंत, नीचे जाने से पहले ऊपर ही फैल गया, तो नीचे जो ब्लड वो भ्रष्ट कर गया उस
हाई एन सी एल के सॉल्यूशन में। तो यानी यहाँ पर थ्री टर्मिनिटी, अब यहाँ पर पानी को लेगा कि देगा, इक्वल रहेंगे। जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी क्या होगा, बाहर आएगा। तो ये होता है पार्शियल कंटेंट सेल। अब जो सॉल्यूशन से पानी बाहर अगर किसी सेल को डाले हैं, जिस सॉल्यूशन में डाले हैं और उस सॉल्यूशन में डालने की वजह से पानी बाहर आए, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन, हाइपर। हाइपर वर्ड हमेशा ज्यादा के लिए लगाया जाता है। और अब क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन कौन है, ये है, सेल के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डालते हैं और सेल को डालने से पानी जो है सेल से बाहर आने लगे, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। या अब इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सिमिलर है, आइसो है, यानी जितना इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वही इसमें है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब समझ के बात को एक बार इसको भी बना के दिखा दीजिए आप।
पीछे तक में अभी कोई नहीं था, फिर यहाँ तक चला कॉफी। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब बाकी एक बार जरूर से घर में वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल जरूर से पढ़ के, क्या क्या वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ये जरूर से पढ़ के आइएगा, नहीं तो सब ऊपर से जाने लगेगा। एक बार किसी भी बुक में जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है? बाकी तो हम लिखाएंगे और समझाएंगे। अब सब कल हम लोग देखेंगे साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई क्या, अब तब रिलेशन भी देखेंगे कि डीपीडी ये जो सेल का देखते हैं हम लोग, यानी प्लाज्मोलाइसिस सेल, क्लासिक सेल और क्रमिक सेल का डीपीडी क्या होता है, तीनों सेल का डीपीडी देखना। अब तब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में ओपी इक्वल टू एम आर टी का एक रिलेशन दिखाएंगे, यानी कि एक लीटर चीनी पानी का शरबत है और एक लीटर नमक पानी का घोल है और दोनों को जब रख देंगे तो पानी का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा, ये तरह सोच के आइएगा। समझ गया बात को? 10% NaCl का सॉल्यूशन है और 10% सुमेध का सॉल्यूशन है, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा, दोनों 10% है तो सॉल्यूट तो सेम हो गया लेकिन फिर भी वाटर का मूवमेंट होता है, क्यों होता है और किधर से किधर की ओर होता है ये सोच के आइए, समझे? ओके, thank you.
Thank you.